हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन देखो और सीखो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए काफ़ी कमाल का फीचर वाला एप्लीकेशन लेकर आऊँ, जिस एप्लीकेशन का यूज करके दोस्तों आप अपने फ़ोन का लुक बिल्कुल नया कर सकते हैं, अपने फ़ोन को बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। बहुत ही कमाल का इसमें आपको फीचर मिलने वाला है। चलिए दोस्तों, इस एप्लीकेशन के अंदर चलते हैं और आपको इसके फीचर दिखाने वाला है। तो प्लीज़ जाने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। और दोस्तों, आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और ऐसी ढेरों सारी इंटरेस्टिंग वीडियो हर रोज मेरे चैनल पर देखना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और घंटी को भी दबा लीजिए ताकि मेरी सारी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको हर रोज मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और उस एप्लीकेशन का फीचर आपको दिखाते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस एप्लीकेशन को ओपन करके इसका आपको फीचर समझाने वाले हैं। इस एप्लीकेशन का आप यहाँ पर नाम दिखाएगा, इसका नाम आप देख सकते हैं और इसका लोगो भी देख सकते हैं और इसको प्ले स्टोर से सिंपली डाउनलोड कर सकते हैं या फिर मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, ओपन करने के बाद दोस्तों कुछ इस टाइप का इंटरफेस आपके सामने यहाँ पर शो हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। और इसमें बहुत ज़्यादा आपको फीचर मिलने वाला है, तो मैं एक एक करके सारा फीचर समझाने वाला हूँ। तो मैं चलिए सबसे फर्स्ट फीचर की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों, सबसे फर्स्ट फीचर तो ये है कि आपको यहाँ पर 3D या फिर वीडियो या फिर लाइव कीवर्ड्स बोल सकते हैं। यहाँ पे आपको बहुत ही ज़्यादा और बहुत ही औसम औसम दोस्तों यहाँ पे लाइव दोस्तों कीवर्ड्स मिल जाते हैं, जो आपने कीवर्ड को लगाकर दोस्तों अपने फ़ोन को एक औसम लुक दे सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, स्क्रॉल करके बहुत ही ज़्यादा आपको 3D कीवर्ड्स मिलने वाले हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा और बहुत ही बढ़िया बढ़िया आपको कीवर्ड्स मिल जाएंगे और इसको अपने कीबोर्ड पर यूज करके आप अपने फ़ोन को एक नया लुक दे सकते हैं, एक औसम लुक दे सकते हैं अपने फ़ोन को। यहाँ पर देख सकते हैं, स्क्रॉल करके आएंगे तो यहाँ पर कितना बढ़िया बढ़िया दोस्तों यहाँ पर कीवर्ड्स, जो कि लाइव कीवर्ड्स मिलेंगे, हमेशा चलते रहेंगे आपको बैकग्राउंड में, ठीक है दोस्तों। उसके बाद अगर आपको सिंपल कीवर्ड्स चाहिए तो सिंपली यहां पर क्लिक करिए, ये जितनी भी यहां पर लाइन दिख रही है सारा का सारा यहां पर सिंपल आपको कीवर्ड्स मिल जाएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं, बहुत ही सिंपल आपको कीवर्ड्स मिल जाएंगे। और सबसे अच्छी बात इसमें मुझे ये लगी दोस्तों कि इसको डाउनलोड करने के लिए आपको प्ले स्टोर में नहीं जाना होगा। इस पर क्लिक करेंगे तो अप्लाई का ऑप्शन आएगा, सिंपली अप्लाई पे क्लिक करके और इसको अपनी कीबोर्ड में दोस्तों सेट करके यूज कर सकता है, ठीक है दोस्तों। बहुत सारे इसमें प्लेन जो है कि मतलब सिंपल आपको कीवर्ड्स चाहते हैं तो सिंपल भी आपको कीवर्ड्स मिलने वाले हैं। यहाँ पर स्क्रॉल करके देखेंगे तो बहुत सारे कीवर्ड्स आपको मिल जाएंगे, हर कलर के, हर तरह के, जैसा आपको कीवर्ड चाहिए। दोस्तों, कीवर्ड का ये भंडार है, ऐसा मुझे नहीं लगता कि किसी दूसरे एप्लीकेशन में इतना कीवर्ड्स आपको मिलने वाला, इतना बढ़िया बढ़िया आपको कीवर्ड्स, कलरफुल कीवर्ड्स या फिर जिस टाइप का कीवर्ड्स आप ढूंढना चाहते हैं इस एप्लीकेशन में आपको मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। क्योंकि बहुत सारा कीवर्ड्स का ऑप्शन है, मैं आपको सारा नहीं दिखा सकता। यहाँ पर स्क्रॉल करके बहुत सारे यहाँ पर देख सकते हैं, मोर पर क्लिक करके या टॉप न्यू के ट्रेंडिंग, तो बहुत सारा आपको कीवर्ड मिल जाएंगे जो कि कुछ 3D होंगे, कुछ सिंपल होंगे, तो आप अपने अकॉर्डिंग चूज करके अपने कीवर्ड में लगा के अपने फोन को औसम लुक दे सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे मैं बात करूँ तो यहाँ पे दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे दोस्तों क्लिक करने के बाद आपको मैं दिखाता हूँ कि इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस आपके सामने शो होगा दोस्तों। और यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से कलर चूज कर सकते हैं, आपका जो कीवर्ड है उसके बैकग्राउंड में किस टाइप का कलर होना चाहिए तो यहाँ से दोस्तों चूज कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, उस कलर को आप अपने बैकग्राउंड में यहाँ से सेट कर सकते हैं या फिर अपनी गैलरी से कोई पिक्चर यहाँ पे लगाकर और सेट कर सकते हैं इस बैकग्राउंड के बैकग्राउंड में, ठीक है दोस्तों। उसके बाद लाइट को यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं कि आपका जो कीवर्ड्स के ऊपर लाइट हो वो किस टाइप का हो और कितना ज़्यादा हो, ठीक है, तो यहाँ से उसको कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बटन का ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे बटन पे क्लिक करके, और दोस्तों आप बटन भी चूज कर सकते हैं किस टाइप का बटन आप अपने फोन को कीवर्ड्स के ऊपर लगाना चाहते हैं तो यहाँ से भी चूज कर सकते हैं बटन। देखिए अब दिखा रहे हैं, बहुत सारा आपको बटन मिल जाएगा यहाँ पर देख सकते हैं, और उसका भी कलर आप चाहे तो चेंज करना यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे फॉन्ट भी मिल जाएंगे कुछ, यहाँ पे देखिए फॉन्ट पे किस टाइप का कलर होना चाहिए वो भी यहाँ से चूज कर सकते हैं। तो ये मुझे सबसे बेस्ट और सबसे बढ़िया एप्लीकेशन लगा, क्योंकि आज तक मैंने बहुत सारे कीवर्ड्स की एप्लीकेशन यूज की हैं लेकिन आज तक मुझे ऐसा एप्लीकेशन दोस्तों नहीं मिला। और उसको ऊपर में सेट करके सेव कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। उसके बाद बैक आते हैं, बैक आने के बाद और भी काफ़ी इसमें कमाल का फीचर आपको मिलने वाला था, चलिए मैं बैक आकर आपको दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम बैक आते हैं, बैक आने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको स्टिकर्स का भी ऑप्शन मिल जाएंगे, यहाँ से आप बहुत सारे स्टिकर्स भी आप डाउनलोड करके यूज कर सकते हैं। चलिए मैं दिखाता हूँ, कुछ लोडिंग होने में कुछ सेकंड्स लगता है तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे दोस्तों यहाँ पे
स्टिकर मिल जाएगा और सिंपली इसको डाउनलोड करके और कहीं भी आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद यहाँ पे इमोजी मार्कर पर जाते हैं और यहाँ से दोस्तों अगर आप बहुत सारे आप इमोजी यूज करना चाहते हैं तो यहाँ सिंपली यहाँ से इमोजी भी यूज कर सकते हैं। बहुत सारे आपको इमोजी भी, हर टाइप का इमोजी, जैसा भी इमोजी ढूंढते हैं आपको यहाँ पे मिलने वाला है। ठीक है दोस्तों, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे इमोजी मिल जाएंगे और सबसे मस्त जो मुझे लगा कि आप यहाँ से अपना खुद का इमोजी जो दोस्तों क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे नीचे में आपको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा जो इमोजी को मतलब बनाने में जितनी भी सामग्री लगती है यहाँ पे सारा कुछ यहाँ पे मिल जाएंगे, देख सकते हैं स्क्रॉल करके। और जिस टाइप का इमोजी बनाना चाहे तो सिंपली यहाँ से आप अपना खुद का इमोजी बनाकर यहाँ पे सेव कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और सबसे कमाल का जो मुझे फीचर लगा दोस्तों यहाँ पे साउंड का, ठीक है दोस्तों इससे आप अपने कीबोर्ड्स में दोस्तों बैकग्राउंड मतलब साउंड लगा सकते हैं किस टाइप का, जब आप टाइपिंग करेंगे तो साउंड होना चाहिए, तो मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैं टाइप करके आपको दिखा रहा हूँ किस टाइप का साउंड यहाँ पे आने वाला। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, उसके बाद यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग चूज भी कर सकते हैं, बहुत सारे यहाँ पे साउंड मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से चूज करके आप अपने घंटी का ये तो अपने कीबोर्ड में इसको देखिए लगा सकते हैं। बहुत ही मस्त मुझे लगा क्योंकि बहुत ही मजा आता है जब हम टाइपिंग करते हैं तो साउंड आता है। तो दोस्तों इस तरीके से इस एप्लीकेशन को यूज करके दोस्तों आप अपने फोन के एक नया लुक दे सकते हैं। इसमें बहुत सारे कलरफुल्स आपको कीवर्ड्स मिल जाएंगे तो इसको यूज कर सकते हैं अपने कीबोर्ड के अंदर। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं छोटी सी वीडियो को काफी पसंद है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। और आप मेरे चैनल पर नए हैं और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और घंटी को भी दबा लीजिए, मेरी सारी वीडियो रोज मिलती रहे। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में।